हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा। आज की वीडियो की टॉपिक है फ्रिज जो है आपकी बंद हो चुकी है और आप काफी ज्यादा परेशान है कि फ्रिज कैसे चालू करें, क्या कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपके फ्रिज को आप ही बहुत सिंपल तरीके से पहचानेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बताता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट एक, पहला देखते हैं कि जिस फ्रिज की पावर प्लग में हम स्विच बोर्ड में उसकी वायर को लगा कर रखे हैं, वहां से उस प्लग को निकालनी है। सबसे पहले उस बोर्ड को चेक करनी जिससे हम फ्रिज चला रहे हैं। घर में कई सारे और छोटी छोटी पार्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक चीज, उसे उस बोर्ड में लगा कर देखिए। इससे ये कन्फर्म हो जाएंगे कि बोर्ड चालू है या फिर खराब। कभी कभी होता है फ्रिज चालू होती है, बोर्ड खराब होता है, जिसकी वजह से फ्रिज जो है नहीं चलता है। तो यहाँ पर आप कंफर्म कर लेंगे कि बोर्ड खराब है या फिर फ्रिज। अगर बोर्ड ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस केबल को देखिए, कहीं ना कहीं केबल कटी तो नहीं है या फिर कहीं से जल तो नहीं गया है, उसे चेक कर लीजिए। कई बार क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है या फिर चूहे वगैरह तार काट लेते हैं, जिसके कारण से पावर जो है फ्रिज तक नहीं पहुंचती है, जिस वजह से फ्रिज नहीं चलता है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को पहचान पाएंगे जब आपने देखा केबल बिल्कुल ठीक है फिर भी फ्रिज नहीं चल रही है। फिर क्या करेंगे, फ्रिज को दरवाजा को खोलिए, वहां पर एक गोल स्विच होती है जो कि रेगुलेटर की तरह दिखता है। कभी कभी होता है गलती से रेगुलेटर को घुमा दिया जिसकी वजह से फ्रिज बंद हो गई। कभी कभी लूज कनेक्शन हो जाती है, तो स्विच को बंद कीजिए चालू कीजिए, बंद कीजिए चालू कीजिए। कई बार लूज कनेक्शन होता है, इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो फ्रिज है वो चालू हो जाएंगे। फिर देखते हैं ऐसा करके उसके बाद भी अगर फ्रिज चालू नहीं होती है, एक टिप्स और बताता हूँ। फिर फ्रिज की पावर प्लग को अलग कर दीजिए। अब देखिए फ्रिज के पीछे कंप्रेसर के पास कोई तार कहीं कटी तो नहीं है या फिर लूज होकर निकल तो नहीं गई है, उसे देख लीजिए। अगर कटी हुई तार है, कलर से कलर मिलाकर सिंपल ज्वाइंट कर दीजिए, आपकी फ्रिज चालू हो जाएंगे। अगर वहां पर दिखता है कि कोई तार कटी नहीं है, फिर क्या करेंगे, कंप्रेसर के पास एक छोटी डिब्बी होती है, वो डिब्बी को खोलेंगे। डिब्बी के अंदर इस तरीके से दो पार्ट लगे होते हैं, छोटे छोटे रिले ऑयल पी कहते हैं। दोनों में से कोई भी पार्ट जल गए होंगे या फिर खराब हो गया होगा। जैसे इस पार्ट को इस तरीके से हिलाएंगे तो अगर साउंड आती है, बजती है, तो ये पार्ट खराब हो जाता है। रिले खराब हो गई तो जल जाएगा या फिर तड़क जाएगा, वो आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। दोस्तों जब आप समझ लेते हैं कि पार्ट खराब हो चुकी है, दूसरी पार्ट लाते हैं, नया लगाते हैं, फिर आपकी जो फ्रिज की कंप्रेसर है वो चालू हो जाती है। इस तरीके से आप अपने फ्रिज की जो बंद हो गई है, चालू नहीं हो पा रही है, उस प्रॉब्लम को समझेंगे, पहचानेंगे, बल्कि खुद से ठीक कर पाएंगे। मेरी वीडियो आपके लिए फायदेमंद होंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। फिर से लाऊंगा नई वीडियो इसी तरीके की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए। बने रहिए मेरे वीडियो चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।